हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ ये छोटे वाले साबूदाने से बनी पापड़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये साबूदाने की पापड़ खाने में बहुत ही यम्मी लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। सारे पापड़ों से ज़्यादा ये पापड़ टेस्टी लगता है। इसे मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से बनाने के लिए बताऊँगी। तो चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो मैंने साबूदाने को, छोटे वाले साबूदाने को यहाँ मैंने 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। ये देखिए, ये फूल गया है और इसे मैं अच्छी तरह से छान लूँगी, सारे पानी को छान लूँगी। और इस तरह से मैंने ले लिया है बर्तन, जिससे मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी, स्टीम करूंगी। तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे प्लेट ले लिए हैं और उसको मैं ऑयल से ग्रीस कर दे रही हूँ। तो हल्का हल्का ऑयल से ग्रीस करने के बाद मैं इसमें 1-1 चम्मच करके साबूदाना इसमें मैं डाल दूंगी और इसको इस तरह से फैला दूंगी। ये तरीका बहुत ही आसान तरीका है। इसको ना ही आपको धूप में देने की ज़रूरत है, इसको पंखे के नीचे आप सुखा सकते हो और आप चाहो तो थोड़ा सा धूप भी लगा सकते हो। तो इस तरह से 1-1 चम्मच डाल करके इसको थोड़ा थोड़ा फैला दीजिए। साबूदाने को पानी में भिगोने के बाद देखिए, ये काफ़ी हद तक फूल गया है और इस तरह से फैलाकर मैं इसको स्टीम कर दूंगी। आपके पास स्टीम करने का जो भी साधन हो, जो भी सामान हो, आप इस तरह से कर सकते हो। ये देखिए, इस तरह से डालने के बाद इसको जो है, ये पतील में मैंने पानी खौला लिया है, पानी उबल रहा है तो उसके ऊपर मैंने ये पतीला रख के इसको ढक दिया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए ढक के, उसके बाद उसको मैं 5 मिनट के लिए रख दूँगी पापड़ को। और इधर मैंने एक प्लास्टिक ले लिया, ये देखिए, ये प्लास्टिक को मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। और ये देखिए, 5 मिनट के बाद ये पापड़ को मैंने निकाल लिया है। और ये जो प्लेट है, इसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, ये काफ़ी गर्म है। तो इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैं इस पापड़ को निकाल के, चम्मच से निकाल के इसको मैं, ये देखिए, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद प्लेट को मैं अच्छी तरह आसानी से पकड़ लूँगी। पकड़ने के बाद इसको जो है चम्मच से इस तरह से करके हल्के हाथों से, इस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, इसको हल्के हाथों से इस तरह से चारों साइड से समेट के उसके बाद बीच से इसको अच्छी तरह से इसको इस तरह से निकाल लेना है। और इस तरह से प्लास्टिक पर, आपके पास जो भी प्लास्टिक है उस पर निकाल के इसको इस तरह से फैला देना है। ये देखिए, और इस तरह से मैंने बहुत सारे पापड़ बनाए हैं। इस तरह से मैं सारे पापड़ को बना लेती हूँ। ये पापड़ जो बहुत आसानी से, जो मैंने ऑयल लगा था इसलिए ये आसानी से निकल जा रहा है। और इस तरह से आप भी ऑयल लगा लीजिएगा। और ये चम्मच से जो मैं निकाल रही हूँ, मैं बताना भूल गई, इसमें भी मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया था। और इसको ऑयल लगाने से ये चिपकेगा नहीं, तो इस तरह से ऑयल लगाकर आप इस तरह से निकालिए और इसको सारे पापड़ को जो है इस तरह से फैला के रख दीजिए पंखे के नीचे, रात भर छोड़ दीजिए, या दिन में बना रहे हैं तो दिन भर छोड़ दीजिए। और थोड़ा सा सूख जाने के बाद इसको जो है सारे पापड़ को प्लेट में लेके इसको धूप लगा सकते हैं 1 दिन के लिए। तो फ्रेंड्स, ये पापड़ खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। और ये मैंने
बहुत आसान तरीके से आप लोग को बनाया है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरह से मैं सारे पापड़ को फिर बना लेती हूँ। थोड़ा बहुत जो है इस तरह से निकालने में थोड़ा सा टूट सकता है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इस तरह से निकाल के इसको आप इस तरह से छोड़ सकते हो, इसको इस तरह से चिपका दे थोड़ा सा, ये सट जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चम्मच से आप इसको ठीक कर दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से मैं सारे पापड़ को बना ली हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये सारे पापड़ मैंने इस तरह से बना लिए हैं, और इसको मैं पंखे के नीचे छोड़ दूँगी। ये थोड़ा सा कड़ा हो जाएगा तो मैं इसको धूप में धूप दिखा दूँगी। तो ये देखिए मैंने धूप दिखा दिया है। धूप दिखाने के बाद ये मैंने प्लेट में इसको रख के सारे को धूप में दिखा दिया था। कुछ पापड़ मेरे एक दो टूट भी गए थे, तो ये देखिए ये पापड़ इस तरह के हो गए हैं, सूख गए हैं सारे पापड़। ये साबुदाने के पापड़ ये सूख के छोटे छोटे हो गए हैं, लेकिन जब मैं इसको तेल में तलूंगी तो ये फूल कर डबल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको लोगों को ये तेल में तल के भी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने तलने के लिए कढ़ाई में तेल ले लिए हैं। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल एंड सरसों का तेल यूज़ किया, आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल में भी छाँक सकते हो इसको। तो ये देखिए इसको मैंने तेल में डाल दिया है, और इस तरह से इसको थोड़ा सा प्रेस करना है, इसको छनोटे से दबाना है, और ये देखिएगा फूल के इस डबल हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स ये फूल के डबल हो चुका है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं आपको दूसरा पापड़ तल के दिखाती हूँ। इसको तेल में डालना है और ये धीरे धीरे इसको इस तरह से दबाना है करछी से, और ये देखिए ये फूल के डबल हो जाएगा। ये देखिए ये इस तरह से सारे पापड़ को मैं तल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखा कि आपने, मैंने पापड़ में कहीं पर नमक नहीं डाला था, आप चाहो तो डाल सकते हो पहले ही नमक, तो मैंने नहीं डाला था। तो इसको मैं जो है लास्ट में इसके ऊपर नमक और ब्लैक पेपर, मिर्ची का पाउडर ये सब डाल के छिड़क करके इसको आप खा सकते हो। अगर आपको इस तरह से अच्छा नहीं लगता है तो आप पहले भी इसमें ऐड कर सकते हो पापड़ में, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे बना सकते हैं आप अपने तरीके से। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से मैंने सारे पापड़ को तल लिया है। ये देखिए मैंने इसको सरसों के तेल में मस्टर्ड ऑयल में तला था, इसीलिए थोड़ा सा लाल लाल लग रहा है। आप इसको रिफाइंड तेल में तलोगे तो ये लाल नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से आप तलिए और इसके ऊपर नमक छिड़क के खाइए, ये बहुत यम्मी लगता है।
तो फ्रेंड्स आप लोग भी इस तरह से साबूदाने के पापड़ की रेसिपी बनाइए और खाइए और साबूदाने के पापड़ की का मज़ा लीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।